दोस्तों फैक्स मशीन तो हम कई जगह पे देख चुके हैं, आज तक हमने कई ऑफिसेस के अंदर भी इसको देखा है, चाहे आज तक इसका ट्रेंड कम हुआ जरूर है लेकिन फिर भी कई ऑफिसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि ये किस तरह से फंक्शनेट करती है और इसकी क्या क्या टाइप्स हैं? आज आप इस वीडियो के साथ ही रहें, आज मैं आपको ये टाइप्स एक्सप्लेन करूंगा और फैक्स मशीन मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मेरा नाम है वकील हैदर और मैं आपको वक्टेक चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फैक्स मशीन की, तो ये हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि ये इनपुट टाइप मशीन है या आउटपुट टाइप मशीन है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है, यानी एक वक्त में ये इनपुट भी दे सकती है और आउटपुट भी दे सकती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये काम किस तरह करती है। सबसे पहले अगर आपने किसी दूसरे फैक्स मशीन तक कोई भी डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस वगैरह पहुंचानी है, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको अपने आपके पास जो है हार्ड कॉपी उसको एक साइड से एंटर करना है और वहां पे अगली फैक्स मशीन के लिए जो आपको डायल करना है वो कर दें। उसके बाद वहां से फैक्स इनपुट हो जाएगा और जहां पे आपने वो फैक्स भेजनी है वहां पे रिसीव होगी, वो वहां पे उसको प्रिंट आउट कर ले लेंगे उसका। और इस पूरे के पूरे काम में आपको 20 मिनट तक भी लग सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल है कि एक साइड से हमने इनपुट किया और दूसरी साइड से हमें आउटपुट मिल गया। अब यहाँ पे हमें 20 मिनट तक टाइम क्यों लगता है, यानी 20 मिनट या इससे ज्यादा टाइम क्यों लगता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये पुराने वायर्स पे काम करती थी, जो कि हम टेलीफोन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते थे, टेलीफोन लाइन्स के इस्तेमाल करते, तो ये उसके ऊपर काम करती है और वो इतनी फास्ट नहीं थी कि वो जल्दी से जल्दी कोई भी डाटा को आगे पहुंचा सके, तो इसलिए ये इतना स्लो होता है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसकी टाइप्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपको मिलती हैं दो तरह की टाइप्स। सबसे पहले जो टाइप आपको यहाँ पे मिलेगी वो है डेडिकेटेड फैक्स मशीन, और जो सेकंड टाइप आपको यहाँ पे मिलेगी वो है फैक्स मॉडेम। सबसे पहले हम बात करेंगे डेडिकेटेड फैक्स मशीन की, तो ये मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल नॉर्मल टाइप की फैक्स मशीन होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका बिल्कुल वही फंक्शन है कि एक साइड से आपने इनपुट दिया और दूसरी तरफ से आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा। अब जो यहाँ पे दूसरी टाइप है वो है फैक्स मॉडेम। फैक्स मॉडेम मैं आपको बता दूं कि ये एक सिर्फ सर्किट बोर्ड होता है जिसे आप अपने सीपीयू के अंदर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि आपके पास अगर नॉर्मल पीसी है तो आप उसके अंदर इस मॉडेम को इंस्टॉल कर सकते हैं और आप इसकी मदद से दूसरी फैक्स मशीन से भी इनपुट ले सकते हैं, यानी वहां से इनपुट लेके आगे आउटपुट प्रिंटर के जरिए कर सकते हैं या फिर आप दूसरे कंप्यूटर्स के जरिए से भी यही काम कर सकते हैं जिस तरह आप फैक्स मशीन का काम करते हैं, यानी कि उस कंप्यूटर के अंदर से आपको एक कमांड मिलेगी और यहाँ पे आप उसका आउटपुट आसानी से ले सकेंगे अपने प्रिंटर के जरिए से। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप फैक्स मशीन का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मुझे जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, अभी के लिए इतना ही।